वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा क्वेश्चन ये था, मैं काफ़ी दिनों से सोच रहा था लेकिन मैं श्योर नहीं था कि ये मे बी इज टू अर्ली टू एस्क दिस क्वेश्चन कि इफ़ आई वांट टू बिकम अ डे ट्रेडर एट द एंड ऑफ द ईयर इज इट इजी टू डील विद अंकल सैम। देयर इज नो प्रॉब्लम। आईआरएस का कोई इशू नहीं है उसमें, टैक्सेस का। इफ यू मेक मनी यू पे ऑर्डिनरी इनकम टैक्स ऑन इट। आपकी रेगुलर जो इनकम होती है उससे वो यू विल रिसीव अ फॉर्म सिमिलर टू व्हाट वुड बी अ W-2 और 1099। आपके जो ब्रोकर होगा उससे इन दिस केस अगर थिंकरस्विम के साथ कर रहे हैं तो थिंकरस्विम से आएगा। अगर रॉबिनहुड से या किसी और ऐप से कर रहे हैं तो उनसे आएगा। तो उसमें जो आपके प्रॉफिट्स होंगे उस पे आपको टैक्स पे करना होगा। और अगर लॉस हो एट द एंड ऑफ द ईयर, एग्जैक्टली यू नो December 31 को आपका लॉस हो गया, तो उसकी वजह से आपको टैक्स बेनिफिट भी मिल सकता है कि क्या आपकी इनकम जो है वो उतनी रिड्यूस हो जाएगी बाय द अमाउंट ऑफ दैट टैक्स। तो दिस आई डोंट सी एनी डाउनसाइड विद टैक्सेस। लेट्स से आपने एक्स अमाउंट ऑफ डॉलर्स बनाए हैं, तो उस एक्स अमाउंट ऑफ डॉलर्स में से अगर 20% अंकल सैम ले भी जाता है तो आई डोंट सी एनी प्रॉब्लम विद दैट, बिकॉज अल्टीमेटली यू गॉट दैट एक्स अमाउंट। थैंक यू। ऑर्डिनरी नवीन भाई, ऑर्डिनरी शेयर क्या होता है? यार मैं एक शेयर नहीं होता, कॉमन शेयर होता है। कॉमन शेयर मैंने ऑर्डिनरी पढ़ा है, एक जो थी स्टॉक एक्सचेंज उसकी कंपनी के प्रोफाइल को पढ़ते हुए कि ऑर्डिनरी शेयर का जो डिविडेंड था वो उन्होंने तकसीम किया, और देखता हूँ कि कौन सा नदी आपको शेयर। आई एम प्रीटी श्योर इट्स अ कॉमन कॉमन शेयर, कॉमन स्टॉक और प्रेफर्ड स्टॉक। These are two terminologies that are used. Normally, जब आप कोई भी स्टॉक खरीद रहे होते हैं या बेच रहे होते हैं तो दैट इज ऑर्डिनरी, दैट इज कॉमन स्टॉक। कॉमन स्टॉक, अच्छा, कॉमन स्टॉक और प्रेफर्ड स्टॉक का सबसे बड़ा डिफरेंस जो होता है कि अगर कंपनी को कुछ होता है तो यानी लेट्स से बैंकरप्ट हो जाती है, तो उसमें सबसे पहले पेमेंट जो होती है वो प्रेफर्ड स्टॉक नहीं, वोटिंग राइट्स के ऊपर है कि अगर किसी इश्यू के ऊपर कोई वोटिंग होनी होती है तो प्रेफर्ड स्टॉक जिन लोगों के पास होता है दे हैव नो वोटिंग राइट्स। कॉमन स्टॉक जो होता है, कॉमन स्टॉक में शेयर होल्डर्स हैव अ वोटिंग राइट। अभी आप चूंकि यू आर डूइंग पेपर मनी तो यू आर नॉट रिसीविंग दोज ईमेल्स that you start to receive जब आप actual money के साथ ये कर रहे होते हैं, trading कर रहे होते हैं। तो for example, I often receive these emails के company जो है वो अपने shareholder, अपने board of directors में से कुछ लोगों को निकाल के कुछ और लोगों को add करना चाह रही है। तो I as a स्टॉक होल्डर हैव एन ऑप्शन टू टू वोट। तो कॉमन स्टॉक जो होता है उसमें वोटिंग इज अलाउड, लेकिन कॉमन, अच्छा, प्रेफर्ड स्टॉक जो होता है उसमें उसमें एक और भी मसला है कि अगर लिक्विडेशन करनी पड़े, यू नो लेट्स से कंपनी बैंकरप्ट हो जाती है, तो लिक्विडेशन हो रही है उस कंपनी की, तो उस एसेट, उसके जो एसेट्स होते हैं, उसके जो पैसे लिक्विडेट होती है कंपनी के जो भी एसेट्स, सबसे पहले जो डेट्स होते हैं वो पे होते हैं। यानी उन्होंने उधार लिया हुआ था, कोई मोर्गेज लिया हुआ था, उनकी पहले पेमेंट होती है। उसके बाद अगर कुछ पैसा बच जाता है तो फिर प्रेफर्ड स्टॉक वालों को पहले पेमेंट होती है कॉमन स्टॉक से। अगर
अगर सब जो प्रेफर्ड स्टॉक ओनर्स हैं उनकी पेमेंट भी हो जाती है और फिर भी कुछ पैसा बच जाए तो देन पार्ट ऑफ इट कैन गो टू कॉमन स्टॉक. सो देयर आर अपसाइड्स एंड डाउनसाइड्स इन बोथ केसेस. के कॉमन स्टॉक में आपका रिस्क ज्यादा है लेकिन आपके पास वोटिंग राइट्स भी हैं. प्रेफर्ड स्टॉक के अंदर आपके पास वोटिंग राइट्स नहीं है. वोटिंग राइट्स नहीं है लेकिन लिक्विडेशन की केस में आपको पेमेंट भी पहले होती है. अच्छा जी, ये जो है ना, ये मैं अब निकाल लिया है, ये मैंने, ये ट्रेंड टेक्नोलॉजीज का है. ठीक है, ये लिखते हैं जी, डिक्लेयर्स अ क्वार्टरली डिविडेंड ऑफ 0.53 सेंट्स पर ऑर्डिनरी शेयर पेएबल June 30, 2020 टू शेयर होल्डर्स ऑफ रिकॉर्ड ऑन June 5, 2020. नेक्स्ट लाइन जो इसकी है, Trend Technologies has paid consecutive quarterly cash dividend on its common share since 1919 on an annual dividend since 1910. तो इसमें ये दोनों चीजें, एक ordinary है और एक वो common है. दोनों basically एक ही term है. Ordinary shares, also known as common shares, second type of shares called preferred shares. So I'm looking at it at Investopedia. So Investopedia pe likha hua hai ke ordinary Investopedia shares is the same as Investopedia is another website like an encyclopedia. Okay. Usually, definitions of terms is available on that site. So common stock is more technical word. So, लेकिन उसपे लिखा हुआ है कि बाज़ औक़ात उसको ordinary shares भी कहते हैं, but it's the same thing. अच्छा नवीद भाई, being overseas trader, आपको किन चीजों का ख्याल रखना पड़ता है? एक तो आपको exchange rate का ख्याल रखना पड़ेगा. अगर फर्ज करें हम लोग invest करते हैं तो, apart from this, हमें वो एक ब्रोकेज जो होगा उसका भी ख्याल रखना पड़ेगा कि वो कितना साउंड है. और जो फिर यूएसए के जो टैक्सेस होंगे वो भी पेएबल होंगे हमारे ऊपर. और फिर इसमें जो इन्वेस्टमेंट होगी दैट विल बी थ्रू प्रॉपर चैनल, बैंकिंग चैनल्स के जरिए अमाउंट्स जाएंगी. जी ऑब्वियसली. तो अक्सर ब्रोकरेज कंपनीज जो हैं वो तो इस तरह से आउटराइट तो फॉरेनर्स को इजाजत नहीं देती हैं. तो यू कैन हैव अ कंपनी हियर और कंपनी के अकाउंट से इफ यू आर ट्रेडिंग देन दैट्स अ डिफरेंट इश्यू. You know, personally direct, जब तक आपके पास social security ना हो तो अक्सर तो personal accounts तो खोलने ही नहीं देते. अच्छा, जो investors, overseas investors हैं मसलन यूरोप वगैरह से, उनको कुछ permission है, उनको कुछ allowed होता है. लेकिन कई मुल्कों का ये है कि बिल्कुल ही allowed नहीं होता. So for example, let me open up. So, let me share my screen. So, here I am at TD Ameritrade. So, let's go to open a new account. And let's say I want to open an individual brokerage account. So let's let me start with you, right? Imran Wahid. Okay, yahan pe aake ab country select karni hai, right? To yahan se agar main Pakistan isko select karun to
ठीक है, तो अब अगर मैं कंटिन्यू पर्सनल इंफॉर्मेशन, तो वो फॉरन क्या कहता है, वी कैन नॉट ओपन योर अकाउंट एट दिस टाइम बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन यू प्रोवाइड, वी आर नॉट करंटली एबल टू ओपन एन अकाउंट फॉर यू as a US registered broker dealer, TD Ameritrade does not open account for residents of certain countries. So, I am quite sure ke agar aap kisi aur trading platform pe karenge to wo bhi jaise hi Pakistan ka aap enter karenge to wo aapko inkar karenge, aur agar aapne kisi aur mulk ka dala to wo us mulk ki आपकी आई डीज वगैरह जो है वो मांगेंगे, क्योंकि ये ऐसे ही है कि जैसे बैंक अकाउंट खोल रहे हैं आप, बिकॉज डीलिंग विद मनी, तो देयर इज अ लॉट मोर स्क्रूटनी इन टर्म्स ऑफ ओपनिंग एन अकाउंट एंड ट्रांसफरिंग मनी. तो आई एम श्योर के वहाँ पाकिस्तान से बैठ के आपके लिए ये ओपन करना ऐसे आउटराइट तो नहीं पॉसिबल होगा, लेकिन अगर कोई लोकल बंदे के साथ मिलके आप कोई कंपनी बना लेते हैं, तो फिर अंडर दैट कंपनी इफ यू आर ऑपरेटिंग दैट अकाउंट दैट मे बी अ डिफरेंट इश्यू. ओके, ओके जी निवेद भाई. कल थोड़ी देर के लिए मैं देख रहा था अपना ये जो है ना, since we started we are studying Boeing. We're looking at what? Boeing company. Boeing, yes. Yes, so Boeing company का मैं कल देख रहा था Open Insider. Okay. Since 2018 till date, no one purchased even a single share. Everyone is selling. Okay. So, and what means sale plus OE? So, it means that it's not a good time to buy Boeing shares at this time, right? Sorry, let me open up Open Insider. Pretty sure E is for equity. I don't know actually. OE क्या चीज है? और नीचे लिखा हुआ है sale of securities on an exchange or to another person. Sale of security on an exchange or to another person after options exercise. Okay, OE is for option exercise. Option exercise जो होती है वो आपको मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग का बताया था ना, याद है आपको? आमिर? Not really. Okay. So options trading जो होती है वो ये होती है कि you can buy a contract to buy a particular stock at a specific price
एट अ लेटर डेट. जैसे let me actually show you. Let me Google. ठीक है. So when this opens, I'll show you how to do that. So options trading जो है उसमें ये होता है कि आप you're not buying the stock, you're buying an option to buy a stock at a specific price at a later date. So for example, Boeing की price इस वक्त जो है 181 चल रही है. आप एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट उठाते हैं कि जो अगस्त 20th को एक्सपायर होता है, यानी आज से तकरीबन मंथ एंड अ हाफ लेटर. और उसमें उसमें प्राइस जो है उसकी बढ़ जाती है. By जैसे August 20th comes around, the price is let's say at $250. तो आपने जो ऑप्शन खरीदी हुई थी कि आप 181 का August 20th को जाके खरीदेंगे, तो now that option becomes very lucrative, right? तो you want to exercise that option and buy those stocks for $181 because you can sell it for $250 in the open market, right? So you exercise your option, you buy it, and you sell it at a higher price right away. Jo downside hai wo ye hai ke aapne jo 181 ka kharida aaj, agar August 20th when August 20th rolls around aur uski keemat jo hai wo let's say 120 पे चली गई है, डाउन हो गई है बहुत ज्यादा. नाउ व्हाट विल हैपन इन दिस सिचुएशन, इट इज नॉट फीजिबल फॉर यू टू एक्सरसाइज दैट ऑप्शन बिकॉज आपका जो जिस प्राइस के लिए आपने खरीदा था, इट इज टू एक्सपेंसिव. इट इज चीपर टू बाय इट फ्रॉम द ओपन मार्केट, राइट? So why would somebody sell you an option in the first place? So they sell you an option because you pay a premium on it. If you exercise it, तो आपको premium का जो खर्चा हुआ है उसका कोई मसला नहीं है, because you can make more money by selling it in the open market. But अगर कीमत कम हो गई है and it does not make sense to buy to exercise that option. So in that case, what would you do? You would let it go. You would let the option expire. So when you let the option expire, you basically lose the money that you had paid for buying that option. So वो किस तरह से खरीदी जाती है? Let's take a look. I am going to go on demand and I'm going to go back to yesterday. Kal jo hua. Or actually, let's go back to March 18th. Theek hai, March 18th. Give me a moment.
अच्छा तो ओके under trade tab ओके ये नजर आ रही है आपको ऑप्शंस चेन राइट आमिर जी बिल्कुल जी ठीक है यहां पे यू कैन बाय दीज ऑप्शंस सो फॉर एग्जांपल August 20th की ये ऑप्शंस के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं ठीक है अच्छा इसमें ये एक्सपायरी डेट उनकी लिखी हुई है August 20th को जो एक्सपायर होने वाले हैं तो ये मुख्तलिफ लोगों ने डाले हुए हैं ये कि ये ऑप्शन वो बेसिकली बेच रहे हैं So for example, ये bid और ask का ये तो normal वो है ना कि basically these are this is the price that people are willing to pay. So for example, अगर मैं कुछ pick करना चाहूँ तो और मैं कहूँ कि मुझे जैसे limit order होते हैं तो वो that would be a bid. और ask जो है जैसे selling के वक्त आप limit order लगाते हैं तो that is an ask तो ये लिखे हुए हैं इसी तरह से हाँ तो these are call options you see this up here these are call options and these are here put options call options जो होती हैं उसके अंदर you're buying an option to buy shares at a specific price put option jo hoti hai wo hoti hai ki you are selling an options contract at a specific price on that date theek hai so let's see let's pick up for example an option here and we buy this option so we are buying 10 shares we are buying the option to buy 10 shares of Boeing anytime before August 21st at a strike rate of $110. So $110 kya hai? Uski Boeing ki kimat hai. Boeing ki share ki kimat hai. Ke us din what are we expecting? Ke kitna jo bhi hoga yahan pe usko batate hain. So for example, let's say acha iski kimat jo agar $110 pe rakhe to uski kimat jo hai $34 aaj aapko pay karne padenge. Theek hai? अगर आप समझ रहे हैं कि अगस्त 20th को ये शेयर 155 का होगा तो देख रहे हैं उसकी कीमत कम हो गई है यहाँ पे अगर आप ऑप्शन लेना चाहते हैं इसको 197 पे खरीदने की
तो वो उसकी ऑप्शन ही अवेलेबल नहीं है खरीदने के लिए. तो लेकिन अगर 190 पे आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 190 से भी ज्यादा का होगा और आज आप 190 का खरीद लें इस ऑप्शन को, तो आपको सिर्फ $11.50 पे करने पड़ेंगे पर शेयर फॉर दैट कॉन्ट्रैक्ट. बट दिस इज अ कॉल कॉन्ट्रैक्ट, राइट? यू आर बाइंग एन ऑप्शन टू बाय दिस स्टॉक ऑन और बिफोर 21st of August for this price, excuse me, for this price 190, but you will pay this much. Ab agar August 21st se pehle pehle aap is option ko exercise karte hain aur actually mein aap ye khareed lete hain, to aapki actual cost kitni ho gayi? 190 plus this $11.50, that's your actual cost to exercise this. लेकिन आप इसको एक्सपायर होने देते हैं तो ये जो कॉस्ट थी ये तो आपको फिर भी पे करनी पड़ेगी, राइट? राइट राइट. बट लेट्स से अब ये इन व्हाट केस दिस वुड मेक सेंस, अगर इसकी कीमत जो है लेट्स से 230 तक चली जाती है, विच इट डिड. तो 230 तक इसकी कीमत चली गई, आप ऑलरेडी उसको 190 में खरीद सकते थे, आपने उसके ऑलरेडी $11.50 पे किए हुए हैं, राइट? तो क्या होगा कि यू विल एक्सरसाइज योर ऑप्शन, आपके टोटल कॉस्ट जो है $201.50 बनेगी. मार्केट में वो 230 का बिक रहा है, तो यू कैन एक्सरसाइज योर ऑप्शन एंड देन सेल इट इन द मार्केट एंड मेक प्रॉफिट. लेकिन अगर ये 190 से कम है उसकी कीमत, विच इज व्हाट हैपेंड यस्टरडे, राइट? तो यस्टरडे यू वुड नॉट एक्सरसाइज दिस ऑप्शन बिकॉज मार्केट में से खरीदना आसान है, मार्केट में $180 का मिल रहा है आपको, तो व्हाई वुड यू बाय? ये देखे ना, अच्छा नहीं, ये तो उस दिन का दिखा रहा है, तो फास्ट फॉरवर्ड. July 1st को अगर हम लेके आए तो ये देखें 100 कितने का चल रहा है इस वक्त, 180 168 का चल रहा है, राइट? दिस सो दिस वुड मेक सेंस. ये वाली ट्रेड जो थी, it would not make sense today to exercise. So you will let it expire. Aapka loss kya? Aapka loss jo hai ye $11.50 ka. That's your loss. So this is how options trading works. So I will, I will cover this topic in more detail in another lecture. Aaj to main sirf aapka jawab ka answer dene ke liye ke ye jo aapko nazar aa raha tha यहाँ पे ओई जो नजर आ रहा था, इसका क्या मतलब है? ये ऑप्शन एक्सरसाइज. तो इन्होंने क्या किया, इन साहब ने, हाइडी इन खातून ने, शी हैड ऑप्शंस टू बाय एट अ चीपर प्राइस, सो शी एक्सरसाइज दैट ऑप्शन. शी बॉट इट एट अ चीपर प्राइस एंड देन शी सोल्ड इट एट $410. So this is all legal. This is how it is done. She made $1.198 million that day. Okay. So by selling 2,916 shares. Okay. All questions? Thank you, sir. You're welcome. Or quick questions? तब अगर आप यहाँ पे देखें, इसमें इसी बात को आगे बढ़ाते हैं, Amazon जो है
Amazon, let me close this on demand. On demand एक feature है यहाँ पे जो paid accounts के साथ होता है. तो when you click on this on demand, you can go back and forth in time to see के उस दिन क्या हो रहा था. तो ये feature अभी आपके पास नहीं है available, but paid accounts के साथ होता है. अच्छा, तो Amazon के अंदर ये देखिए वही call options and put options. तो call options में let's say if I buy a call option of 100 stocks. तो मार्केट में अमेज़न के स्टॉक की कीमत क्या चल रही है? $2,890, right? $2,800. तो you could potentially buy 100 shares of Amazon, जिनकी कीमत जो है वो actual कीमत जो है $289,000 होगी. Only for fraction of that cost. So it works well. अगर जब उसकी exercise expire होने का time आता है या उससे पहले इसकी कीमत उस option से कहीं ऊपर होती है. So then it makes sense. Otherwise you let it expire and you lose the money that you had paid in buying that option. It's an interesting concept, लेकिन I do not recommend people, especially starting out options trading, जो है, I do not recommend anyone कि आप लोग कभी इसके बारे में कोई सोचें भी सही. लेकिन paper money account है तो उसमें कोई हरज भी नहीं है try करने में. So you have a flavor, you understand कि options trading काम कैसे करती है. So it's simply like a limit order, but you lose in this option. That's one way of looking at it. Okay, you pay money on this type of limit order, but you stand to gain plenty, and you only lose the amount of premium if you cannot exercise it, if it does not make sense to exercise that option. But it can be quite dangerous as well. Maslan 400, acha to isme when you buy an option, you can also sell an option. ठीक है, तो जिस तरह से आप रेगुलर स्टॉक खरीदते हैं उसी तरह से ये ऑप्शंस भी खरीद सकते हैं. जिस तरह से आप स्टॉक को बेचते हैं इसी तरह से स्टॉक ऑप्शंस जो होती हैं उनको बेच भी सकते हैं. क्योंकि अगर एक्सपायर होने का टाइम आ जाता है तो कुछ कैटेगरीज ऐसी होती हैं जिनमें आपके लिए लाजमी होता है कि वो खरीदने वो उसके एक्सपायर होने से पहले पहले या तो आप उस ऑप्शन को बेच दें, और अगर आप नहीं बेचेंगे तो दे मे फोर्स यू टू बाय इट और दे मे गो अहेड एंड बाय इट एट द ओपन मार्केट प्राइस. तो उसे वो कवर्ड ऑप्शन होती है, कवर्ड बुल ऑप्शन, कि जिसमें आप क्या करते हैं, आप पुट ऑप्शंस भी खरीदते हैं और कॉल ऑप्शन भी खरीदते हैं एट द सेम टाइम. तो अगर तो उसकी मार्केट वैल्यू मार्केट प्राइस जो है हायर हो तो यू स्टैंड टू मेक स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट. अगर इफ इट गोज द रॉन्ग वे यू स्टैंड टू लूज अ स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी.
so this can be quite confusing. और जो लोग नहीं ट्रेड कर रहे होते उनके लिए खास तौर पे मुश्किल हो जाता है, जब खुद अपने हाथों से की हुई होती है ट्रेड, तो फिर तो अच्छी तरह से याद रहता है कि क्या हो रहा है. But it can be quite confusing. तो मेरा rule of thumb जो है वो ये है ट्रेडिंग के मामले में कि ट्रेडिंग सिर्फ ऐसी करनी चाहिए जो सिंपल हो, जो समझ आती हो. फॉर एग्जाम्पल शेयर्स का खरीदना, शेयर्स का बेचना, इट्स अ सिंपल मैटर ऑफ बेसिक बिजनेस सेंस कि आप सस्ते दामों खरीदें और जब वो महंगे हों तो उस वक्त आप उनको बेच दें एंड यू मेक योर प्रॉफिट इन दैट मैनर. बहुत सारी ट्रेडिंग जो होती हैं वो डेरिवेटिव ट्रेडिंग कहलाती हैं. डेरिवेटिव ट्रेडिंग जो होती है वो ये है कि कोई कॉम्प्लिकेटेड मैकेनिज्म लगा के उसमें पैसे बनाए जा सकते हैं. वो पैसे बन तो जाते हैं लेकिन ये कि उसी तरह से लूज होने का चांस भी बहुत होता है क्योंकि आपको सही समझ नहीं आ रही होती कि वो काम कैसे करें. जैसे ये ऑप्शंस ट्रेडिंग है, इट्स रिलेटिवली मोर कॉम्प्लिकेटेड देन बाइंग जस्ट सिंपल स्टॉक्स एंड सेलिंग स्टॉक्स. इसी तरह से इवन शॉर्टिंग का जो मैकेनिज्म है कि शॉर्टिंग के अंदर आप you are selling first and buying later, so that is also a type of derivative trading. Isi tarah se ek aur type ki trading hoti hai ke aap jaake kisi company ke khilaf insurance khareed sakte hain, theek hai, us company ko aapko batane ki bhi zarurat nahi hoti. Maslan aap ye feel karte hain ke Tesla jis tarah se wo log kaam kar rahe hain अल्टीमेटली अगले 2-3 साल के अंदर टेस्ला जो है वो बैंकरप्ट हो जाएगी एंड यू गो एंड यू बाय एन इंश्योरेंस अगेंस्ट इट. तो अगर अच्छा तो जैसे इंश्योरेंस का काम होता है कि यू हैव टू पे अ प्रीमियम ऑन इट, तो यू पे योर प्रीमियम. अब लेट्स से आफ्टर 2 इयर्स टेस्ला को कुछ नहीं होता, टेस्ला स्टिल कंटिन्यूज टू ऑपरेट एज नॉर्मल, तो आपने जो प्रीमियम के पैसे पे किए वो आके जाया हो जाते हैं. लेकिन अगर टेस्ला एक्चुअली में बैंकरप्ट हो जाए तो यू स्टैंड टू गेन अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी. तो दोज आर ऑल डेरिवेटिव ट्रेडिंग्स एंड पर्सनली आई डू नॉट लाइक दोज टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग. दे आर टू रिस्की. दे यू मेक मनी व्हेन समबडी एल्स is having a huge loss, so that should not be the basic business model, your primary business model kisi cheez ka. I think that is a very bad business strategy. But of course a few people they make a lot of money. Abhi pichle dino mein dekh raha tha 2007 ki crisis mein There was a person who made more than $4 billion in one trade because wo data dekh raha tha ki housing market jo thi uska data bahut buri halat mein tha. So he went and he bought insurance on against this one of the huge mortgage giants. To जब 2007 का जब जिस दिसंबर वगैरह में व्हेन द मार्केट क्रैश्ड दैट डे ही रिसीव्ड $4 billion इन इंश्योरेंस क्लेम अगेंस्ट दैट कंपनी. तो दोस टाइप्स ऑफ थिंग्स हैपन. अपेरेंटली दोस आर ऑल लीगल बट I do not think that is a good business strategy. So good business strategy is simple business. You know, you buy at a cheaper price, you sell at a higher price, and that's it. Okay. बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, क्योंकि वैसे भी हमारा मज़हब यही कहता है कि आप एक चीज़ नहीं बेच सकते जो ऑलरेडी आपके पास हो ही ना. Right. Yeah. At least कोई contract तो होना चाहिए आपके पास. I agree. So. Okay.
ये जो आप डेली बाइंग करते हैं उसमें भी आप इंश्योरेंस बाय कर सकते हैं ना अपने अकाउंट के अगेंस्ट? यस आई एम श्योर देयर वुड बी समबडी हु वुड सेल यू इंश्योरेंस ऑन दैट. लेकिन ये कि उसके प्रीमियम जो है, आई एम श्योर के प्रीमियम भी काफी हाई होंगे, तो सो दैट यू हैव एन इंसेंटिव टू नॉट लूज मनी. So, yeah, so you can buy insurance against anything. Yeah, brother, you're right. Yeah. Okay. Any other questions? Abdullah, aapka kya question hai? Abdullah? No question. Really? Yes. क्या सब समझ आ गया या कुछ भी समझ नहीं आया, इसलिए कोई क्वेश्चन नहीं? आ गया समझ. ओके. तो आप खुद ट्रेडिंग कर रहे हैं या बाबा की हेल्प कर रहे हैं? खुद कर रहा हूँ. क्या चीज? खुद से कर रहे हैं कि सिर्फ बाबा की हेल्प कर रहे हैं आप? अच्छा, खुद से कर रहे हैं? बाबा मेरे शेयर जिनके मैं लेता हूं उनके बाबा लेते हैं. अच्छा, बाबा चीटिंग कर रहे हैं? तो आप क्या कंप्यूटर से कर रहे हैं? अपना पोर्टफोलियो शेयर करेंगे, दिखाएंगे अपना पोर्टफोलियो? आप स्क्रीन शेयर करें तो मैं नहीं कर सकता. ओह, आई एम सॉरी, ये मैंने अपनी मॉनिटर टैब. ओके, वाओ, गुड जॉब. सो कम ऑन, एक्सप्लेन इट टू मी, क्या चीज खरीदी हुई आपने? गोल्ड और पेट्रोल. गोल्ड से पहले वाला जो एरो हेड है उसको क्लिक करना, गोल्ड के साथ बिल्कुल सब गोल्ड. हाँ, जहाँ गोल्ड लिखा उससे पहले. एरो हेड सा बना हुआ ना ट्रायंगल, हाँ ऊपर गोल्ड वाले को. बैरिक्स गोल्ड कॉर्पोरेशन. ओके, क्या पता आपको इस कंपनी का? ये कंपनी गोल्ड सेल करती है. राइट क्लिक करना है इसको, गोल्ड गोल्ड वाली कंपनी जो थी, कंपनी के नाम को. नहीं, हाँ हाँ, इसको बैरक जान करो ना, बैरक गोल्ड. और मोर इन्फो ऑन गोल्ड, नीचे सबसे नीचे जाके. ओके, कंपनी न्यूज. कंपनी प्रोफाइल लिखा, चलो ठीक है, इट्स ओके. कंपनी न्यूज भी आने, ये कंपनी, हाँ ठीक है. ऑप्शन, ओके, राइट क्लिक करके कंपनी प्रोफाइल उसी पे, बैरक गोल्ड पे नीचे मोर इन्फो एंड कंपनी प्रोफाइल.
Asid, your air conditioning is working. Okay. Get the water out of the bucket, okay? So, the value of, okay. North American gold mines are in ki takriban 70% in ka portfolio. Barrick Gold Nevada is 58.5% of Trefis stock price estimate and is the most important division. Barrick Nevada is part of the larger North American gold mines capital business. Achha. Okay. So, kaise dhoondi aapne ye company? मैंने सबसे पहले चार्ट्स पे देखा चार्ट्स पे मैंने गोल्ड सर्च किया अच्छा गोल्ड पे सारा आ गया फिर मैंने ओके तो ये कंपनी जो है 46 बिलियन डॉलर्स वर्थ है तो ये जब आप ये जो लफ्ज गोल्ड लिखा हुआ है ना गोल्ड का ये मतलब नहीं है कि वो एक्चुअली में गोल्ड आपको बेच रहे हैं ये आप बेसिकली सिर्फ शेयर खरीद रहे हैं उस कंपनी में ठीक है तो उस कंपनी का सिंबल जो है ऑफ कोर्स काफी मिसलीडिंग है तो कंपनी जो है बेसिकली प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गोल्ड एंड कॉपर तो बेसिकली एक्सप्लोरेशन एंड माइन डेवलपमेंट ऑपरेट्स थ्रू बैरक नेवाडा में ज्यादा हैं उसकी माइंस और एक्चुअली में ये कंपनी जो है टोरंटो कनाडा में बेस्ड है ओके तो इसका इसका चार्ट खोलें आप ओपन तो, हाँ चार्ट में इसको खोलें 6 महीने का चार्ट 180 डेज का वाला जहां डी लिखा हुआ ये जो ब्लू लाइन हाँ यहाँ पे क्लिक करें यप ओके अच्छा एक काम करें इसको ऊपर फ्लेक्सिबल ग्रिड लिखा हुआ ना जहाँ पे उसे क्लिक करें फ्लेक्सिबल ग्रिड को चार्ट्स के साथ चार्ट वाले टैब के बिल्कुल नीचे वाली लाइन में सबसे पहला है चार्ट्स उसके बाद है फ्लेक्सिबल ग्रिड हाँ फ्लेक्सिबल ग्रिड को क्लिक करें ओके क्या चीज हाँ तो इसमें पहले वाले चार्ट में ये गोल्ड वाले का लिखा है और आपको पता ना एक्चुअली में गोल्ड की प्राइस कैसे लेके आते हैं राइट आपको पता एक्चुअल प्राइस कैसे लेके आते हैं गोल्ड की नहीं पता तो नीचे वाले चार्ट में लिखे स्लैश जीसी स्लैश जीसी नहीं नहीं द अदर वन द अदर स्लैश
दूसरी तरह की स्लैश जो होती है. कौन सी? क्वेश्चन मार्क के साथ होगी. क्वेश्चन मार्क जहां लिखा हुआ ना उस. हाँ ये वाली जी सी. ओके तो इसमें देखें सेंटर में गोल्ड फ्यूचर्स लिखा हुआ है ETH. हाँ ये इसको क्लिक करें. ओके तो हाँ इसको बड़ा कर लें, चार्ट को बड़ा कर लें. ओके तो अब बताएं मुझे कि ये चार्ट गोल्ड की कीमत का, गोल्ड की कितनी कीमत चल रही है अभी अब्दुल्ला? हाँ यहां से नहीं देखते, जहां जीसी लिखा था ना उसके सामने बिल्कुल देखो, जहां जीसी देखा हाँ उसके बिल्कुल सामने 1787 पर पाउंड. ओह नो नो एक्सक्यूज मी, दिस इज पर पाउंड्स. पर आउंस तो 1787 पर आउंस इसकी कीमत चल रही है. तो और ऊपर जो गोल्ड बैरक गोल्ड कॉर्पोरेशन जो थी उसकी स्टॉक की कीमत कितनी है? $26 राइट अब्दुल्ला? यस ओके तो अब मुझे ये बताएं आपके, आपको इन दो चार्ट्स के अंदर कोई कंपैरिजन नजर आ रहा है? यस इसकी प्राइस भी ज्यादा है. तो जैसे जैसे गोल्ड की प्राइस ऊपर नीचे जाती है तो इस कंपनी के स्टॉक की प्राइस भी उसी तरह से ऊपर नीचे जा रही है राइट? यस तो काफी ओवरलैप है दोनों चार्ट्स का. तो इस तरह से आप उसको चेक करते हैं कि आप एक्चुअली में अगर गोल्ड खरीदना चाहे तो गोल्ड एक्चुअली में तो नहीं खरीद सकते, यहाँ पे आप उसकी गोल्ड की ऑप्शंस खरीद सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट जो होता है, और फिर उस कॉन्ट्रैक्ट को आप बेच भी सकते हैं. तो अगर आपने गोल्ड का एक्चुअली में कॉन्ट्रैक्ट खरीदना हो तो यहाँ पे चार्ट पे राइट क्लिक करें, ये जीसी वाले स्लैश जीसी वाले कॉन्ट्रैक्ट में उसमें चार्ट में नीचे नीचे चार्ट के अंदर राइट क्लिक करें. राइट क्लिक और यहां पे बाय. सिंगल ओके इसको एडिट करें. एडिट यप edit. Okay. Confirm? No, no, no. Hold on. ऐसे नहीं confirm करते. इसको पहले पढ़ें क्या लिखा हुआ. आप क्या कर रहे हैं? आप एक contract खरीद रहे हैं gold का, एक ounce का, जो के August 20th को expire होगा. और कितने का, कितनी प्राइस पे आप कर रहे हैं अभी इस वक्त? आप लिमिट ऑर्डर लगा रहे हैं 1821 का, लेकिन उसकी एक्चुअल कीमत जब 1787 पे चल रही है तो क्या होगा? इमीडिएटली वो एग्जीक्यूट हो जाएगा ये ऑर्डर, क्योंकि आपने लिमिट प्राइस बहुत हाई लगा दी है उसकी जो एक्चुअल करंट प्राइस चल रही है उससे. तो इसको आप कम करके 1787 पे ले आए इसकी कीमत को. हाँ ये प्राइस जो उसके बाद 0.87 भी निकाल दें. ओके तो अभी आप इसको कंफर्म एंड सेंड. तो अब आप क्या करने लगे हैं मुझे ये लाइन पढ़ के समझाएं. हाँ गोल्ड के एक शेयर खरीद रहा हूँ. नहीं गोल्ड का एक शेयर नहीं खरीद रहे,
उसका फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट खरीद रहे हैं 1 ounce गोल्ड का, कितनी कीमत में? 1787. ओके, और ये आपका लिमिट ऑर्डर है और डे ऑर्डर है, राइट? ठीक है, तो ये किसी भी आज आज के दिन में अगर ये कीमत आपको ना मिली तो ये एक्सपायर हो जाएगा, ठीक है? अगर मिल गई तो आपने ये कॉन्ट्रैक्ट खरीद लिया है। अब आपको एक्चुअली में क्या करना होगा, अगस्त 20th से पहले पहले अगर गोल्ड की कीमत ऊपर चली जाती है तो आपको ये कॉन्ट्रैक्ट बेच देना चाहिए। नहीं तो मुझे लेना पड़ेगा। हाँ, और आप चूंकि ले नहीं सकेंगे तो क्या होगा, आपका $1,787 का नुकसान हो जाएगा, राइट? तो अब आपको ये डिसाइड करना है कि आपने ये ऑर्डर एग्जीक्यूट करना है या नहीं करना। ठीक है, चलो इसके बारे में थोड़ा और सोच लेना, लेकिन दिस इज हाउ यू डू इट। ठीक है, ओके ओके, गो बैक टू ट्रेड, गो बैक टू मॉनिटर टैब। ओके, तो आपने बैरिक गोल्ड के 500 शेयर्स खरीदे, आपकी ट्रेडिंग प्राइस कितनी थी? $26.06, राइट? और आप अब इस वक्त मार्केट प्राइस कितनी है? $26.32. तो आपका प्रॉफिट कितना हो चुका है? 130 डॉलर का, राइट? ओके, अच्छा, और आपके पास क्या क्या चीजें हैं? WLL क्या चीज है ये? हाँ, वाइटिंग पेट्रोलियम, ठीक है, कंपनी है ये। इसमें क्या हो रहा है आपके सर? कितने का खरीदा था, अब क्या कीमत है? प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है? लॉस 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 हो रहा है। तो अच्छा, ओके, तो क्या करेंगे आप? तो अभी तक आपने $1,387 बनाए, गुड जॉब। तो बाबा ने कितने बनाए होंगे इस वक्त? बाबा ने बना लिए होंगे 2000. अच्छा, तो थोड़ा सा आ गया आपसे, है ना? तो फिर हो जाए कंपटीशन, हैं? अगर बड़े बड़े हो जाए होते हैं। ओके, चलो, आपको बेसिक चीजें तो आ गई है ना, बेसिक चीजें तो समझ आ रही है, राइट? कि कैसे ये काम कर रहा है। तो कीप वर्किंग ऑन इट, गुड लक, ओके। चलो, और कोई क्वेश्चंस? नो, शायद सब देख लें। बताएं, आपने अभी तक अपना अकाउंट नहीं सेटअप किया? आई नो, आई बीन लिटिल बिजी दैट्स ऑल। कहते हैं तो मैं जमान को कहता हूँ कि वो जमान का बेटा है ये, तो जमान को कहता हूँ कि वो आपकी हेल्प कर दे। नहीं नहीं, ऐसे ऑलराइट, इट्स ओके, मतलब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई वाज जस्ट नॉट पेइंग दैट मच अटेंशन, मैं अभी थोड़ा ब्राउज थ्रू कर रहा था, तो सर अकाउंट तो मैंने बस सेट कर दिया था, लेकिन पर अभी वर्क नहीं किया उसके ऊपर। ओके ओके, मोइन, एनी क्वेश्चंस?
अब जैसे आप ब्रोकर आपके पास काम कर रहे हैं जी, और आपने उसको सडन अमाउंट दी हुई है कि वो बाय कर रहा है, लेकिन उसके ऊपर आपकी लिमिट भी लगाई हुई है कि भैया आपने इतने लेवल पे आपने इसको निकाल देने हैं, लेकिन अगर वो नहीं निकालता तो फिर उसका क्या मतलब है, क्या क्या सिचुएशन, क्या करना चाहिए? ब्रोकर क्यों नहीं निकालेगा? अगर आपका आपने क्राइटेरिया सेट किया ना, वो क्राइटेरिया जैसे ही मीट होगा, अगर वॉल्यूम आ रहा है, अगर खरीदने वाले या बेचने वाले बैठे हैं मार्केट में, तो इट विल एग्जीक्यूट। अगर क्राइटेरिया मीट नहीं होता और वो नहीं एग्जीक्यूट हुआ ऑर्डर, तो दैट्स ऑन यू, यू आर रिस्पॉन्सिबल। बिल्कुल, दैट्स दैट्स व्हाट द सिचुएशन वाज। वो एक पाकिस्तानी मेरा ब्रोकर था, वो मोहसिन साहब न्यूयॉर्क से, उन्होंने ये काम किया मेरे साथ और अच्छा खासा मुझे चक्कर दे दिया। हाँ, तो वो दैट दैट्स अ डिफरेंट थिंग ना। वो तो अगर अगर इफ अ ह्यूमन ब्रोकर मेक्स अ मिस्टेक, दैट्स अनदर इशू। तो यहाँ तो कोई ह्यूमन ब्रोकर तो नहीं बैठा ना बीच में। हाँ, बिल्कुल, दैट्स राइट। नाउ इट्स डिफरेंट, क्योंकि यू आर दैट ह्यूमन, यू नो, वंस यू सेट अप योर ऑर्डर, इट गोस थ्रू। तो अगर इफ द कंडीशंस आर मेट। नवीद भाई, ये इंडेक्स की जो रेटिंग आती है, मिसाल के तौर पे जैसे पाकिस्तान की एक वक्त 54,000 पे चली गई थी, अब पता नहीं मेरे ख्याल में शायद 30,000 के राउंड अबाउट होगी, ये क्या होता है? Okay. इसी तरीके से ये जो S&P है और NASDAQ है, इनके भी जरा बता दीजिएगा कि इनकी रेटिंग ये है क्या और ये कहाँ से। ओके, तो लेट्स लुक एट KSE। ठीक है, ये कराची स्टॉक एक्सचेंज की आ गई, राइट। कराची स्टॉक एक्सचेंज में आपके पास KSE 100 का इंडेक्स है, KSE 100। तो अभी तक जो हमने बातें करी उसमें आपके ख्याल में KSE 100 का क्या मतलब होगा? हंड्रेड कंपनीज। तो क्या करते हैं कि ये कि उन 100 कंपनीज का वॉल्यूम वेटेड एवरेज होता है ये, ठीक है? तो वॉल्यूम आ रहा है ना यहाँ पे, तो एवरेज प्राइसिंग कितनी ऊपर गई है, कितनी नीचे गई है, बेस्ड ऑन वॉल्यूम। दैट्स हाउ इट इज कैलकुलेटेड। अब इसका आपने एक्चुअली में खुद कैलकुलेट करके देखना हो तो आई कैन हेल्प यू, दैट कैन गेट क्वाइट टेक्निकल। तो बेसिकली ये जो चेंज वाला कॉलम है, चेंज वाला कॉलम और वॉल्यूम वाला कॉलम, चेंज क्या चीज है कि उसकी प्राइस कितनी है, हाई कितनी थी, ओपनिंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस, एक्चुअली में उसकी बेसिस होता है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने हाई और लो की उस पर दिया हुआ है, क्योंकि हाई जो था 33.49 था और 30.9, दैट कम्स आउट टू बी 2.08, तो नॉट दिस चेंज, बट ओपनिंग प्राइस वर्सेस क्लोजिंग प्राइस और द करंट प्राइस, उसको पकड़ के वो जो चेंज अमाउंट होती है उसको और वॉल्यूम को के कॉम्बिनेशन से वेटेड वॉल्यूम वेटेड एवरेज निकालते हैं। वो एवरेज होती है उन 100 कंपनियों की एक दिन के अंदर, वो KSE 100 इंडेक्स बन जाता है। इसी तरह से जो डाओ का है, डाओ में कितनी कंपनीज है? डाओ भी एक इंडेक्स है ना, 30 कंपनीज। तो उन 30 कंपनीज की वॉल्यूम वेटेड एवरेज जो होती है, दैट कम्स आउट टू बी 25,827, यू नो, इट वाज एज ऑफ यस्टरडे। तो दैट्स द इंडेक्स वैल्यू। 92.39 क्या है? सॉरी, क्या कहा? 92.39 क्या है फिर ये इंडेक्स क्या है जो 25,000? ये 92.39, ये दैट वाज द दोज वर द नंबर्स कि पहले एक दिन पहले जो थी, एक दिन आज जो है 25,827.36 है ना, तो कल कितनी थी उससे एक दिन पहले, प्रीवियस डे 92.39,
that was the value yesterday. ठीक है उसकी इंडेक्स की वैल्यू 25,734.97 आज उसकी जो थी 25,827.36 है तो that comes out with difference comes out to be positive 92.39 अगर किसी दिन नुकसान में जाती है तो अगले दिन का इससे कम होगा कितना कम होगा वो यहां पे लिखा हुआ होता है नंबर ठीक है बट दिस इज एवरेज अच्छा वो जब एवरेज है तो जैसे एवरेजेस का प्रिंसिपल होता है कि कुछ कंपनियों की कीमतें बढ़ रही होंगी कुछ की कम हो रही होंगी तो अगर ज्यादा की कम हो रही हैं और ज्यादा कम हो रही हैं कंपेयर टू जिनकी पॉजिटिव में जा रही हैं तो ओवरऑल इंडेक्स जो है उस दिन नेगेटिव में आ जाएगा अब मसलन थिंकोरस्वैम के अंदर जो हमने डाउ जोन्स इंडेक्स की रखी हुई ये कल का डेटा दिखा रहा है ये तो कल क्या था ये जो पॉजिटिव नजर आ रहे हैं इन सब कंपनियों के पॉजिटिव में थी ठीक है कितना पॉजिटिव था इस ये अमेरिकन एक्सप्रेस का 28 सेंट ज्यादा था फ्रॉम ओपनिंग वैल्यू ओपनिंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस दिन की तो जितने पे खुला था उससे 28 सेंट बढ़ के क्लोज हुआ है माइक्रोसॉफ्ट का $1.56 जो है क्लोजिंग पे ज्यादा थे कोका कोला के 6 सेंट जो थे ये ज्यादा थे बोइंग के 49 सेंट ज्यादा बेहतर बंद हुआ है लेकिन सिस्को जो है वो 43 सेंट लॉस पे क्लोज हुआ है पर शेयर राइट तो अब आप इनकी ये जितने भी इंक्रीजेस और डिक्रीजेस हो रहे हैं जितने भी प्रॉफिट्स और लॉस हो रहे हैं पर शेयर बिटवीन द क्लोजिंग एंड द करंट वैल्यू उनकी वॉल्यूम वेटेड एवरेज के कितना वॉल्यूम इनका था कितने शेयर जो थे वो ट्रेड हुए हैं उस दिन उसकी बेसिस पे इन 30 कंपनीज का ओवरऑल वैल्यू जो है वो 25,827 पे क्लोज विच वाज 92 पॉइंट्स पॉजिटिव देन द डे बिफोर सेम थिंग एस एन पी के अंदर बहुत सारी कंपनीज हैं लेकिन S&P के फिर ये S&P जो है ये दिस इज द होल इंडेक्स अब इस S&P के अंदर कई कंपनियां जो है उनको शामिल होने के लिए they have to fulfill a criteria. For example, Tesla is not part of S&P index right now. Even though Tesla ki current value jo hai, wo Toyota, Coca-Cola aur Disney, in teen companies ki values ko mila ke bhi uski Tesla ki zyada hai value. Aur wo teeno company S&Ps mein hai. लेकिन टेस्ला अभी नहीं है क्योंकि एक क्राइटेरिया S&P का ये है कि कंसिस्टेंटली प्रॉफिट्स दिखाना तो टेस्ला ने अभी तक कंसिस्टेंट प्रॉफिट नहीं दिखाया है लेकिन दे आर गेटिंग क्लोजर तो जब टेस्ला इस S&P के अंदर शामिल हो जाएगी तो S&P की वैल्यू भी बढ़ जाएगी क्योंकि टेस्ला इज ऑलरेडी अ ह्यूज कंपनी So that's how these indices work. अब ये NASDAQ जो है, NASDAQ ये जो NASDAQ हम देख रहे हैं, ये index है. लेकिन NASDAQ जो है actual stock market भी है. इसमें technology companies होती हैं. तो NASDAQ पे जितनी भी कंपनियां हैं, सारी कंपनियों को मिला के उनका $10,207 points का इंडेक्स चल रहा है विच वॉज 53 points बेटर देन yesterday than the day before. तो इसी तरह से कराची स्टॉक एक्सचेंज अगर खाली कराची स्टॉक एक्सचेंज इंडेक्स है तो दैट वुड इंक्लूड ऑल कंपनीज दैट आर लिस्टेड ऑन कराची स्टॉक एक्सचेंज अगर कराची स्टॉक एक्सचेंज 100 को अगर आप देख रहे हैं तो वो सिलेक्ट कंपनीज होंगी उसका कोई क्राइटेरिया होगा कि कौन सी 100 कंपनियां उसके अंदर शामिल हैं फिर उनकी वॉल्यूम वेटेड एवरेज निकाल के वो आपको इंडेक्स का लेवल पता चल जाएगा इसी तरह से न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के पॉइंट्स हैं अपने लंदन स्टॉक एक्सचेंज के नीके जापान की जो है उनके अपना इंडेक्स है तो उनमें से कुछ इंडस्ट्रीज जो होते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं दूसरों की निस्बत कुछ लोगों के लिए कुछ खास किस्म के इंडस्ट्रीज जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे मसलन जो अगर
पाकिस्तान में कराची स्टॉक एक्सचेंज में डील कर रहे हैं या इस्लामाबाद स्टॉक एक्सचेंज में डील कर, उनके लिए केएससी 100 जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, या इस्लामाबाद स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स जो है जो 100 या 30 कंपनीज का होगा वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा बजाय हमारे. तो आई डोंट लुक एट दैट डेटा बिकॉज आई एम नॉट डीलिंग विद इट, तो इट डजंट मैटर फॉर मी. But that's how these things work. Does it make sense, Imran bhai? Kya hua, Imran bhai gayab ho gaye? Chalo ji. Imran bhai ko abhi recording sunni padegi. Idhar na signal ka issue hai MLC mein, is wajah se na thoda sa masla aa raha hai. Acha. Ji ji. Thank you. Okay. Any more questions? नवीद भाई, ये जो थिंक एंड स्विम है इसका मॉनिटरिंग का सिस्टम दोबारा से एक्सप्लेन कर दीजिएगा थोड़ा सा. ये मॉनिटर टैब जो है, ये मॉनिटर टैब, इसमें इसकी प्रॉफिट लॉस इनकम कहाँ पे जा रही वो एग्जैक्टली क्लियर नहीं हो रही. ओके, तो आपकी नेट लिक्विडेटिंग वैल्यू जो है वो आपका बताती है कि इस वक्त आपकी आपने आपकी टोटल वैल्यू कितनी है. ठीक है. अच्छा, हमने फॉर एग्जांपल 100 से स्टार्ट किया था, तो ये 358 जो है ये प्रॉफिट है ऊपर. ये प्रॉफिट है. यस. अच्छा, लॉन्ग स्टॉक वैल्यू जो है, लॉन्ग स्टॉक वैल्यू का मतलब ये होता है कि आपने टोटल जो स्टॉक्स खरीदे हुए हैं उनकी वैल्यू कितनी है. तो इसी तरह से लॉन्ग स्टॉक के साथ इसी तरह से एक होती है शॉर्ट स्टॉक वैल्यू. शॉर्ट स्टॉक का मतलब ये होता है कि जो आपने, अगर कहीं आपने शॉर्टिंग करी हुई है, ठीक है, तो लॉन्ग का मतलब ये होता है कि आपने खरीदे हैं जो आप आगे जाके बेच सकते हैं. शॉर्ट में क्या होता है, आपने ऑलरेडी बेच दी है और फिर बाद में खरीदने पड़ेंगे. तो दस वो नंबर भी शामिल है जो अभी वर्किंग में है. वर्किंग में यानी जो लिमिट ऑर्डर लगाए हुए हैं. लिमिट ऑर्डर लगाया हुआ, तो वो फिर अगर कहीं डिफरेंस आ रहा हो ना, लॉन्ग स्टॉक और अवेलेबल स्टॉक दोनों मिलके, अवेलेबल फंड्स फॉर ट्रेडिंग, ये दोनों मिलके दे शुड बी इक्वल टू नेट लिक्विडेटिंग वैल्यू. अगर इसमें कोई डिफरेंस आ रहा है तो वो अवेलेबल फंड्स फॉर ट्रेडिंग जो है वो कम हो जाएंगे. अगर आपने कुछ मसलन यहाँ देखें 41,660 अवेलेबल है ना अभी इस वक्त, तो लेट्स से आई गो एंड आई पुट अ लिमिट ऑर्डर फॉर बोइंग. लेट्स से आई एम बाइंग 100 शेयर्स ऑफ दिस एट लेट्स से $160. ठीक है, अब इसकी टोटल वैल्यू कितनी बनेगी 100 की, $16,000 बनेगी, राइट? तो आई कंफर्म सेंड, आई कम बैक टू मॉनिटर टैब. ओके, सो देयर इज अनएक्सपेक्टेड एरर, सो इट बेसिकली वांट्स टू रीस्टार्ट. तो आई एम नॉट गोना रीस्टार्ट इट राइट नाउ, लेकिन अगर ये इफ दिस हैड कम अंडर वर्किंग ऑर्डर, this value, this trading cash available funds for trading, this will be reduced by $16,000. Okay. ठीक है. अच्छा, unsettled cash शायद आपकी स्क्रीन पे नजर ना आ रहा हो. unsettled cash होता है कि जब आप कोई चीज खरीदते हैं और फिर उसको बेच देते हैं उस एक दिन के अंदर, तो उस ट्रांजैक्शन को कंप्लीट होने में 2 दिन लगते हैं. तो जब वो 2 दिन लगते हैं तो वो अनसेटल्ड कैश होते हैं, तो यू कैन नॉट यूज दैट कैश ड्यूरिंग दोज 2 डेज. तो गिव मी 1 सेकंड, साहब मुझे मुसलसल कॉल कर रहे हैं, तो लेट मी सी अगर कोई इमरजेंसी ना हो. बोल कीजिए.
ओके सो सो एक तो ये यहाँ पे इस तरह से हो गया. अच्छा फिर किसी भी ये जो ये लाइंस है इनके अगेंस्ट यहाँ पे एंड पे गियर का साइन होता है. इस गियर के साइन को अगर आप कस्टमाइज करें तो मुख्तलिफ वैल्यूज जो हैं आप उसके अंदर ऐड कर सकते हैं कि क्या कौन सा कॉलम आप देखना चाहते हैं. इसी तरह से ये वॉच लिस्ट नजर आ रही है ना, वॉच लिस्ट के अंदर करंट अकाउंट में, अच्छा ये मैंने क्या किया वॉच लिस्ट के अंदर एक करंट अकाउंट की लिस्ट जो है उसको ऐड कर ली है, करंट अकाउंट पोजीशंस. तो ये क्या करती है कि मैं अगर चार्ट्स पे भी होता हूँ ना तो यहाँ पे मुझे अपना नजर आ रहा होता है कि मसलन निकोला के 576 जो है वो खरीदे हुए हैं, उनमें कितना प्रॉफिट लॉस हो रहा है, वो सारी की सारी स्टेटमेंट जो है मुझे यहाँ पे नजर आती रहती है. ये प्रॉफिट लॉस तीन तरह के हैं, पीएल डे, पीएल ईयर, टोकन. तो पीएल ईयर जो है वो तो आज यानी जनवरी 1 से लेके अब तक का, ठीक है. पीएल ओपन जो है वो जब से आपने ये ट्रेड शुरू करी है इस कंपनी के साथ. अगर आपने लेट्स से गिव मी अ मोमेंट, ओके तो अच्छा पीएल ओपन जो है जब आपने कोई ट्रेड शुरू करी है उसकी डिटेल्स होती हैं. तो फॉर एग्जांपल आपने निकोला के शेयर्स खरीदे, उनमें से कुछ बेच दिए, फिर कुछ मजीद खरीद लिए, फिर कुछ बेच दिए, लेकिन आपकी वो ट्रेड कभी भी जीरो पे नहीं हुई है, तो ये आपको वो पीएल ऑप्शंस ओपन वो आपको दिखाता रहेगा. पीएल ईयर जो है वो उसको पूरे पूरे साल का दिखाएगा. अगर आपने बिल्कुल जीरो भी कर दिया है तो भी, अगर आपने लेट्स से निकोला के सारे शेयर्स बेच दिए और ये जीरो हो गया तो दोबारा अगर आप कभी निकोला को खरीदेंगे तो वो फिर पीएल ओपन दोबारा वहां से जीरो से शुरू हो जाएगा. लेकिन पीएल ईयर जो है वो उसको पूरे साल के हिसाब में रखेगा. ओके राइट अच्छा और पीएल डे जो है वो तो सिंपल है ना कि आज के दिन में क्या सिचुएशन है. ये बीपी इफेक्ट, सॉरी बीपी इफेक्ट क्या है? आई एम सॉरी से इधर अगेन, बीपी इफेक्ट, बाइंग पावर इफेक्ट. ये क्या होती है बाइंग पावर? बाइंग पावर कि कितना कैश आपके पास अवेलेबल है. ये देख रहे हैं अब ये 25,000 हो गया ना, ये देखें बीच में वर्किंग ऑर्डर में आ गया राइट वो 16,000 का ऑर्डर जो था, तो उससे क्या हुआ है मेरा 16,000 का बाइंग पावर, नेगेटिव 16,000 का बाइंग पावर इफेक्ट है उसके ऊपर. यू गेट इट? ओके ये जो 16,000 मैंने इसमें वर्किंग और लिमिट ऑर्डर जो लगाया था उसमें आ गया ना. अब अगर मैं इफ आई गो एंड आई इफ आई कैंसिल दिस ऑर्डर तो जीरो हो गया. हाँ वो जीरो हो गया बैंक पावर का इफेक्ट और मेरे ये जो अवेलेबल फंड्स हैं वो 41,000 हो गए. ओके ओके बैलेंस वॉल्यूम, सॉरी ऑन बैलेंस वॉल्यूम, कौन सा कह रहे हैं ऑन बैलेंस वॉल्यूम कहाँ? 1.765 1.66 ये आपका राइट से फोर्थ कॉलम. ओह ऑन बैलेंस वॉल्यूम, हाँ दिस इज अनदर क्राइटेरिया. ये आई जस्ट एडेड इट, आई डोंट रियली यूज इट. यहाँ पे
बहुत सारे कॉलम्स जो है ना वो अवेलेबल हैं यहाँ पे ऐड करने के लिए. तो उनमें से एक बैलेंस का था ऑन बैलेंस वॉल्यूम. आई डोंट रियली यूज इट एंड आई डोंट नो हाउ दिस इज कैलकुलेटेड आइदर. Okay. Because I don't have to use it, you know, normal usage mein aata nahi hai, but this is one of the information that's available. Jisko istemal karna ho to kiya ja sakta hai. To ye dekhe ab yahan pe year wala nahi tha na, to ye PL year maine isme add kar diya, isko nikal diya. PL percent, PL open, PL day. ठीक है, ये जब मैंने यहाँ पे ऐड किए तो अब देखिए ये सब कॉलम्स जो है यहाँ पे ऐड हो गए. मार्केट वैल्यू, मार्केट परसेंट चेंज, तो इसको भी ऐड कर दिया, तो ये मार्केट चेंज का भी आ गया. ये मैं जरा अपनी स्क्रीन शेयर करूं एक चीज. श्योर, गो अहेड. स्टॉप योर शेयरिंग. ये आर यू स्क्रीन? हेलो, म्यूट हो गया. या गो अहेड, टेल मी व्हाट्स गोइंग ऑन. अब यहाँ पे जो है कल तक मुझे दिखा रहा था तकरीबन 1300. ठीक है, कल मैंने कोई खास ट्रांजैक्शन की नहीं कुछ इस तरह की. अब ये पीएल ईयर टिल डेट जी 2200. राइट, ये रातों रात ये मुझे 700-800 डॉलर जो है बढ़ा दिया है. हाँ, तो वो क्योंकि आफ्टर आवर ट्रेडिंग में होंगे. आफ्टर आवर ट्रेडिंग जो होती है वो रात को 8 बजे तक चलती रहती है यहाँ पे थिंकोरस्विम के प्लेटफॉर्म पे. मार्केट्स 4 बजे बंद हो जाती हैं यहाँ के 4 बजे, लेकिन आफ्टर मार्केट जो है इट स्टिल रिमेन्स ओपन. सो फॉर एग्जाम्पल, गो टू अ चार्ट. चार्ट्स पे ये जो बीच में लाइटर शेड नजर आ रहा है ना आपको, एक डार्कर शेड के कॉलम्स बने हुए हैं. ठीक है, इसको थोड़ा 3 दिन के उस पे ले जा, टेक इट टू 3 डे और 5 डेज. फाइन, ये बीच में जो डार्क लाइटर शेड नजर आ रहा है ना, दिस इज आफ्टर आवर्स. अच्छा, क्लिक ऑन. हाँ, यहाँ पे देखें, ये जो पहला वाला नजर आ रहा है, नहीं इस साइड से, दूसरी साइड. हाँ, यहाँ से देखें तो ये आफ्टर आवर ट्रेडिंग भी हो रही है इसकी. तो उसमें क्लोजिंग प्राइस जो थी, इसकी क्लोजिंग प्राइस के ऊपर करें, जो छोटा वाला ग्रीन है ये, तो इसकी लो प्राइस कितनी थी? 1904. ठीक है, 1904 थी. लेकिन आफ्टर आवर ट्रेडिंग के अंदर उसकी कीमत जो है चली गई 1941 पे. राइट, अगले वाले पे करें, अगले कॉलम पे 1905. हाँ, 19.5 पे चली गई. राइट, तो ये जो आफ्टर आवर ट्रेडिंग हो रही होती हैं उसके अंदर भी प्राइसेस जो हैं अप एंड डाउन होती हैं, और बाजू का बहुत सिग्निफिकेंटली होती हैं. मसलन बोइंग का लिखें, BA. ये आफ्टर आवर कर कौन रहा होता ट्रेडिंग? ये ऑटोमेटिकली हो रही होती है सारा के? नो, नहीं, लोगों ने ऑर्डर्स लगाए हुए होते हैं, एक्चुअल ट्रेडिंग भी कर रहे होते हैं लोग, बैठ के भी ट्रेडिंग कर रहे होते हैं. यानी हम भी कर सकते हैं आफ्टर आवर ट्रेडिंग. पेपर मनी अकाउंट के अंदर आई एम नॉट श्योर, बट यू शुड गिव इट अ ट्राई. सुबह 8 बजे से लेके रात को 8 बजे तक, 8 AM to 8 PM, you can have pre market and after hours trading. तो बीच में ये light shaded area के center में जो dotted line है, तो ये dotted line जो ये दिखाती है आपको कि ये pre hour after market थी, और उसके बाद pre hour pre market शुरू हो गई है.
ठीक है, अब इसको अगर आप थोड़ा सा जूम आउट करें ताकि थोड़ा सा एरिया डे का भी बीच में शामिल हो। हाँ, यहाँ से सेंटर से उस दूसरे सेंटर तक, चलें यहाँ तक ले जाएं, ठीक है। तो देखिए, प्राइस अच्छी खासी फ्लक्चुएट हो सकती है। सबसे बड़ा इश्यू जो होता है, नीचे वॉल्यूम को देखें, वॉल्यूम के साथ क्या हो रहा है। वॉल्यूम इज वेरी लो, राइट। तो क्योंकि वॉल्यूम कम है तो उसकी वजह से थोड़े से स्टॉक्स भी अगर कम कीमत पे बिके तो प्राइस बहुत ज्यादा नीचे चली जाती है। थोड़े से भी प्राइस ऊंची प्राइस पे चले जाए तो वो प्राइस बहुत हाई हो जाती है। तो अक्सर औकात डे ट्रेडर्स जो होते हैं वो इस डेटा को शट डाउन ऑफ कर देते हैं कि हमारी कैलकुलेशंस के अंदर प्री मार्केट और आफ्टर आवर्स को शामिल ही ना करो, क्योंकि दिस मे गिव यू अ फॉल्स इंफॉर्मेशन। बट इफ यू लुक एट इट कि यहाँ पे एक कंटिन्यूस चार्ट बना हुआ है पिछले डे की क्लोजिंग से अगले डे की ओपनिंग तक का, राइट। अगर आप इस डेटा को ऑफ कर दें तो क्या होगा कि अचानक से जंप आ रहा है पिछले डे की क्लोजिंग से अगले डे की ओपनिंग तक, राइट। तो हाउ डिड दैट जंप हैपन, यू वुड नॉट नो अनलेस यू वर लुकिंग एट द आफ्टर आवर्स एंड प्री मार्केट डेटा, ठीक है। बट द बिगेस्ट इश्यू आफ्टर आवर्स के वॉल्यूम जो होता है वो बहुत मिनिस्क्यूल होता है। अब देखें, हाँ यहाँ पे देखें, ये 2600 शेयर्स यहाँ पे बिके थे इस टाइम पीरियड के अंदर, ये 30,000 शेयर्स बिके हैं इस पे। तो उसके मुकाबले में अगर अब जब मार्केट खुल गई है तो ये पहला कॉलम जाके देखें, लुक एट दिस 1.5 मिलियन। तो एक तरफ मिलियंस में ट्रेडिंग हो रही है, दूसरी तरफ अ कपल ऑफ थाउजेंड 2,000-3,000 शेयर्स, यू नो। तो यू कैन इमेजिन के इवन दो प्राइस का डिफरेंस नजर आ रहा होता है, प्राइस ऊपर नीचे सिग्निफिकेंट होती हुई नजर आ रही होती है, बट चूंकि वॉल्यूम बहुत कम है तो जैसे ही मार्केट खुलती है दैट इज वेयर यू डिटरमिन द प्राइस कि ओपन कितने पे हुई है, क्लोज कितने पे हुई है। और जब हम स्टडी लगा रहे होते हैं तो ये काउंट हो रही होती है ना, ये भी इंफॉर्मेशन बीच में स्टडी का फिल्टर जब लगा, उसमें भी ये डेटा काउंट हो रहा होता है, लेकिन स्टडीज के अंदर यू कैन टर्न ऑफ के प्री मार्केट आफ्टर आवर डेटा जो है उसको ऐड ना करे। तो गो अहेड, मूविंग एवरेज, ओके। अच्छा, अब इसको एडिट करो, उसको राइट क्लिक करके लाइन के ऊपर, नहीं नहीं लाइन के ऊपर, ये जो ब्लू लाइन है, हाँ इसके ऊपर राइट क्लिक करके एडिट स्टडी। ब्रेकआउट सिग्नल ड्रॉ लाइन कलर, आई एम प्रीटी श्योर के हो सकता है रियल में हो। एक काम करो, गूगल में जाके देखना जरा, सर्च करना हाउ टू एक्सक्लूड आफ्टर मार्केट एंड प्री मार्केट डेटा इन थिंक एंड स्विम। नहीं, ये रहा, रिमूविंग प्री एंड पोस्ट मार्केट फ्रॉम नीचे नीचे, या हाँ यहाँ पे, क्लिक ऑन द रेंज, ओके, गो टू फ्यूचर्स and unlock show extend. Okay. ठीक है, ठीक है, वापस आए उसमें, क्लिक ऑन दैट गियर, नहीं ऊपर 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 गियर के अंदर, चार्ट के ऊपर जो गियर है, इससे पहले थोड़ा सा राइट साइड पे, ये यहाँ पे, ओके, फ्यूचर्स टैब एंड शो एक्सटेंडेड, इसको टर्न ऑफ करते हैं, ओके।
लेकिन ये तो फ्यूचर का होगा ना, हम तो हाँ लेकिन ये इक्विटीज का ये हाँ ठीक है सही ओके तो यू सी दैट दैट लाइट शेडेड एरिया इज गॉन नाउ लेकिन अब इसमें आपको गैप भी नजर आएंगे ठीक है बिटवीन द प्राइसेस फ्रॉम द लास्ट डे टू द फर्स्ट डे देयर इज दैट जंप इससे पिछले दिन में जाएं अगर उसमें ज्यादा प्रोनाउंस्ड जंप था सी दैट जंप तो अब उसकी स्टडी के अंदर भी वो डेटा कैलकुलेट नहीं हो रहा है तो यू कैन सी कि ग्राफ जो है उसी के हिसाब से बन रहा है ये डे का जंप जब आता है तो देयर इज अ देयर आर ह्यूज जंप्स फ्रॉम डे टू डे तो आप क्या सजेस्ट करते हैं रिकमेंड करते हैं कि ग्राफ बनाते हुए इसको रखें कि ना या आप क्या करते हैं आई यूज दैट डेटा लेकिन आई नो जो बहुत ज्यादा एडवांस्ड ट्रेडर्स होते हैं दे टर्न इट ऑफ दे डोंट वांट टू सी दैट डेटा बिकॉज दैट डेटा इज गिविंग देम फॉल्स इंफॉर्मेशन जब वॉल्यूम ही नहीं है तो व्हाई शुड यू ट्रस्ट दैट डेटा गुड ओके चलें अब क्या टाइम हो रहा है 10:37 हो रहे हैं यहाँ पे तो let's reconvene on Monday and we'll go from there okay good okay JazakAllah Assalamu alaikum and the do session honge ya teen session rahenge ha starting next week we'll just move on to two sessions per week okay ha Monday and Wednesday koi Friday nahi hoga ha Fridays ka I don't see main actually ek aur class shuru karne laga hu yahan ke bachchon ke liye to agar aap join karna chahe to let me know I can send you a link to that class you're welcome to join that class but that class will primarily be in English kis cheez ki class hai ha wo US ke local bachchon ke liye किस चीज की मैं यही क्लास है यही थिंक और स्विम की तो वो एक बिल्कुल नया ब्रांड न्यू सेशन जो है वो शुरू करने लगा हूं मैं उसका सो नेक्स्ट वीक इज मंडे वेडनेसडे एट सेम टाइम या ठीक है ओके थैंक यू हैव एन इंशाल्लाह ओके जजाकल्लाह सलाम ओके थैंक यू जजाकल्लाह अल्लाह हाफिज आपके पास कुछ टाइम है अभी Yeah, sure. Go ahead. नहीं ये चले जरूरत नहीं है इनकी मीन्स के जिन जाना जा रहे हैं ठीक है बोलो go ahead मोहित आज ना मेरी डिस्कशन हो रही थी इधर जर्मनी में ना कुछ लोगों से ये स्टॉक एक्सचेंज वो भी कह रहे थे कि जर्मनी में जो स्टॉक मार्केट है ना वो इस तरह फ्लक्चुएट नहीं करती वो एक स्टेबल रहती है बहुत ज्यादा अच्छा एज कम्पेयर टू जो मुझे यूएस की नजर आ रही थी जिस तरह से जो मैं समझा अभी तक मुझे नहीं पता कि क्या है I'm not sure if that claim is too accurate though let me pull that up अब मसलन ये देखें जर्मनी की मार्केट ये थी ना DAX अभी भी राइट नाउ बिकॉज़ द मार्केट इज ओपन 0.53% है लेकिन मैंने इसकी फ्लक्चुएशन देखी है 2% 3% की फ्लक्चुएशंस दैट्स नॉट अ स्मॉल फ्लक्चुएशन ये देखें पिछले 5 दिन का डेटा है शेयर दीजिए स्क्रीन जरा हां ओह सॉरी राइट हियर नहीं वो यही सजेस्ट करते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है बस ले डाल के शेयर खरीद के बैठ जाओ लेकिन थर्सडे को 348 पॉइंट्स का जंप था
3.74% jump in 5 days. So this is not a, I'm sorry, I don't agree with that statement. Ye dekhen. Kitne huge jumps ho rahe hain. 13,000 se upar chala gaya. Aur niche aane laga hai, to 12,000 se bhi niche aa gaya. And there's a 4.25% change in 1 month. 3 months ka agar aap dekhen, to 31.55% ka change hai. That's not a small amount of change, Muin. Mm-hmm. That's a huge amount of change. So, ye dekha, kahan se shuru hua hai, kahan pahunch chuka hai. That's a significant change. So, haan, jahan tak ye baat hai, dekho, do cheeze hoti hai, Muin. Ek hota hai timing aur dusra hota hai time. Amount of time, I think, is a very important factor in how much money you make. Amount of time ka matlab ye wahi long term ka ke bhai aapne khareede aur chhod diye kai saalon tak rakhe rahe. The real money is in that. Lekin timing jo hai wo bhi usko aap, you cannot deny its importance. Ke when you entered, so for example aaj se 3 mahine pehle, exactly 3 mahine pehle aapne enter karke, ab aaj ke din you would have made 30, you know, agar aapne 1,00,000 euro lagaye hote, to ab wo 3 mahino ke andar wo 1,00,000 531,550 euro ho chuke hote, right? In 3 months. Lekin isi cheez ko agar aap 6 months pe le jaye, to I can, even without looking at that chart, I can tell you ke wo change jo hai bahut kam hoga. Wo dekh le, wo negative change hai. You would have actually lost 5,200 euros. वो basically corona की वजह से ये March में था. Timing की वजह, timing जो है वो भी बहुत important है. Timing is important, but amount of time is also valid. तो अब 6 महीने के अंदर तो loss दिखा रहा है ना, लेकिन इसी 6 महीने को अगर आप 5 साल का करते हैं, तो what do you think would be the change? 5 to 10. Would be positive. That's 13.27. That's a very respectable profit margin. तो अब उसमें बेशक जितनी भी फ्लक्चुएशन आई है, नीचे भी गई हैं, ऊपर भी गई हैं, फिर इतना नीचे आ गया, फिर इतना नीचे आ गया, तो बट रियल मनी इज इन दिस, इन टाइम. यू लेट इट सिट फॉर, एंड दिस इज ट्रू फॉर एनी स्टॉक एक्सचेंज, नॉट जस्ट जर्मन स्टॉक एक्सचेंज. तो यू नो, अमाउंट ऑफ टाइम इज इम्पोर्टेंट, बट ऑल्सो टाइमिंग इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. तो ये वही टाइमिंग का मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, कि आपने 3 महीनों में जितने पैसे बना लिए होते, ठीक है, उतने शायद 5 साल रखने के बाद बनते. लेकिन अगर आपने 6 महीने पहले इन्वेस्टमेंट करी होती, तो देन यू वर स्टक बेसिकली. राइट, सो टाइमिंग इज इम्पोर्टेंट, बट अमाउंट ऑफ टाइम इज इम्पोर्टेंट. तो व्हाट यू आर बीइंग टोल्ड इज अमाउंट ऑफ टाइम. व्हाट आई एम एक्सप्लोरिंग हियर विद यू इज टाइमिंग. Both are important. Okay? Okay, good. So, okay. So, the difference is, ab jaise dekh lo na ki ab aapko utha ke unhone itni lambi line pe laga diya, right? Sahi. So, Karachi mein chale jao, Pakistan mein chale jao, to wahan pe aur bhi zyada, you know, barriers to entry are so huge. कि वो आपको घुसने भी नहीं देंगे, कि पहले तो 5-6 करोड़ रुपया निकालें आपको सिर्फ यूजर नेम पासवर्ड देने के लिए, ठीक है, वो सिस्टम की एक्सेस ही आपको नहीं देंगे. एक्चुअली मेरे अपने बैंक में तो खोलूंगा तो जल्दी खुल जाएगा ना, लेकिन जो ब्रोकर का है इसने लाइन में लगाया ना. अच्छा, लेकिन बेसिकली दोनों की ट्रांजेक्शन फी जो है ना वो काफी डिफरेंस है ना. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर मैं बैंक के थ्रू ट्रांजेक्शन करता हूँ, पर ट्रांजेक्शन 4 to 5 euros है. आई सी. अगर उसके साथ करूंगा तो वो एक यूरो पर ट्रांजैक्शन के लेगा. राइट. तो फिर, लेकिन फिर भी ट्रांजैक्शन फीस है, राइट? तो यहाँ यूएस में भी इसी तरह से होती थी किसी जमाने, लेकिन वो जो रॉबिनहुड की ऐप है, वो जब से वो लोग आए हैं, तो द होल मार्केट हैज चेंज्ड. नाउ ऑलमोस्ट नन ऑफ द ब्रोकर्स हैव फीस ऑन रेगुलर ट्रांजैक्शंस. सिर्फ बाइंग एंड सेलिंग पे तो नहीं है. हाँ,
मार्जिन आप इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको उधार लेके इस्तेमाल कर रहे हैं, उस तरह की चीजों पे फिर भी फीस है। सब्सक्रिप्शन फीस हो सकती है कि किसी किसी क्लब की मेंबरशिप, अगर जैसे गोल्ड रॉबिनहुड गोल्ड की एक मेंबरशिप है, वो $5 चार्ज करते हैं, लेकिन उसके अगेंस्ट वो बहुत सारे बेनिफिट्स भी देते हैं आपको, कि जो 2 दिन का वेटिंग टाइम होता है थिंक और स्विम के अंदर, जब आप किसी चीज को सेल करते हैं तो उसका सेटल होने में टाइम लगता है, तो वो लोग आपको इमीडिएट उसको एक्सेस दे देते हैं उस कैश तक। तो दोस टाइप्स ऑफ थिंग्स आर देयर। फिर ये है कि मार्केट्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है ये चीज के जितने ज्यादा लोग इन्वेस्ट कर रहे होंगे उतना कंपनीज को पैसा ज्यादा मिलेगा, उतना वो एक्सपैंड ज्यादा कर सकेंगी। तो US की स्टॉक मार्केट पूरी दुनिया में लीडिंग क्यों होती है? बिकॉज इट सेट्स द टोन के बाकी दुनिया में क्या होगा फॉर एनी गिवन डे। तो इट इज बिकॉज the access to equities market is so open that any ordinary American can open an account. So almost all Americans have something in stock, you know, agar unko koi retirement account hai. When everybody is invested in the stock market, to ek to पैसे की एक्सेस जो होती है मार्केट्स को वो बहुत ज्यादा होती है, फिर हर कोई इन्वेस्टेड होता है उसके अंदर, तो इट इज इन एवरीबॉडीज इंटरेस्ट दैट द मार्केट कीप्स डूइंग बेटर। तो अभी पिछले 2-3 हफ्तों से जो टर्मोइल चल रहा था मार्केट के साथ यहाँ पे, तो वो देख लो आज फिर ये न्यूज आई हुई थी कि अब वो सेकेंड स्टिमुलस पैकेज जो है उसको डिस्कस कर रहे हैं। कहाँ गया? आई थिंक दे हैव अपडेटेड दैट न्यूज। I think they've just updated that news item. I mean, I was just looking at it, okay, what to expect in the second stimulus package. So it's because almost every American is invested in it. So when markets are in turmoil, immediately legal legislations start to pump money in and to support the equities market. It's just because equities market भी कहते हैं stock market को। चल ठीक है मोहन। हाँ बस ठीक, thank you। okay चल ठीक है। अच्छा hello। अच्छा मैं ये पूछना चाह रहा था कि पाकिस्तानी stock exchange भी उसका भी जरा इस तरह review दे देंगे जिस तरह अभी आपने जर्मन का दिया है, उसको हम देखना चाह रहे हैं कि उसपे क्या अपडेट आ रहा है। हाँ तो उसकी वेबसाइट है ना psx.com.pk। वो मैंने खोली लेकिन मैं अंडरस्टैंड नहीं कर पाया इसको। अच्छा तो ये कराची स्टॉक एक्सचेंज 100 इंडेक्स है, इसी तरह से ऑल शेयर्स, इसमें सारी कंपनीज आ जाएंगी, KSE 30 के अंदर वो टॉप 30 कंपनीज जो है वो आएंगी, और फिर इस तरह के और मुख्तलिफ तरह के उन्होंने अपने इंडेसीज बनाए हुए हैं। मेरा पूछने का मकसद ये था कि जैसे वहां पे एक चार्ट आप दिखा रहे थे कि 3 महीने में ये लॉस एंड प्रॉफिट है और 6 महीने में ये, और अगर 5 साल में हमने किया है तो अगर एक आदमी ने पेमेंट लगाई हुई है तो एट द एंड टिल एंड जो है वो आप क्या गेन कर रहे हैं और क्या लॉस कर रहा है। तो इसी तरह मैं ये चाह रहा था कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी हम इस तरह कुछ देख सकते हैं। आई एम श्योर होगा यहाँ पे कहीं ना कहीं, लेट्स सी। अच्छा ये तो मुख्तलिफ सेगमेंट्स आ गए ना, मुख्तलिफ कंपनीज आ गई। अच्छा ठीक है ठीक है, कि किस कंपनी में अब मसलन चार्ट, आई डोंट नो चार्ट इन्होंने रखा हुआ है ना, आई एम श्योर होगा कहीं ना कहीं चार्ट, वो देखता हूं उसको भी। चले तो यहाँ पे जैसे ऑटोमोबाइल असेंबलर्स, ये कंपनियां हैं जो कराची स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हैं, तो इनमें आप पैसा लगा सकते हैं। आई एम श्योर कि आप कई नाम रिकॉग्नाइजेबल होंगे, अलगाजी ट्रैक्टर्स, एटलस होंडा, दीवान फारूक, you know, इसी तरह से
ऑटोमोबाइल पार्ट्स एंड एक्सेसरीज हो गई, केबल एंड इलेक्ट्रिकल गुड्स की हो गई, सीमेंट की कंपनियां जो हैं उनमें आप पैसा लगा सकते हैं. लेकिन देखें सारी कंपनियां जो थी मतलब आज के दिन में एवरीबॉडी वाज क्लोज्ड इन रेड, हर किसी की प्राइस जो है वो कम हुई हुई है. केमिकल इंडस्ट्रीज जो हैं, केमिकल कंपनीज, ये ब्लू से क्या है? HBL इन्वेस्टमेंट फंड जिनका जीरो रहा है, जिनकी आज कोई ट्रेडिंग नहीं हुई होगी. अच्छा ट्रेडिंग नहीं हुई, ठीक है. नहीं ट्रेडिंग हुई है इसकी, 16,500 स्टॉक्स इसके हाँ ट्रेड हुए हैं, लेकिन जितने पे खुले थे उतने पे ही क्लोज हो गए, बंद हो गए. हाँ ठीक है. अच्छा ये इंजीनियरिंग कंपनीज हो गई, फर्टिलाइजर कंपनीज हो गई, फूड एंड पर्सनल केयर आ गई, ग्लास एंड सिरामिक्स, इंश्योरेंस कंपनीज, इन्वेस्टमेंट बैंक्स. अच्छा अब इसके अंदर लिस्ट करने के लिए यहाँ पे ये देखें, यहाँ शुरू में लिखा हुआ है लिस्टिंग विद PSX के, ठीक है. कि आपने अगर आप अपनी कंपनी को चाहते हैं कि वो इसमें कराची स्टॉक एक्सचेंज की लिस्टिंग में आ जाए जिसमें लोग खरीद सकें, शेयर बेच सकें, उसकी रिक्वायरमेंट क्या होंगी? गेटिंग स्टार्टेड, मेन बोर्ड, GM बोर्ड, डेट सिक्योरिटीज, सूट ऑफ सर्विसेज टू सबमिट इंटरेस्ट. तो फिर वो उसको रिव्यू करेंगे कि उनका क्राइटेरिया मीट हो रहा है या नहीं हो रहा है. सही. अगर आप इन्वेस्टर के तौर पे करना चाहते हैं तो यहाँ से ये आपके पास है, अकाउंट कैसे खोलना है, ओपन एन अकाउंट एंड इन्वेस्ट. ब्रोकरेज फर्म्स जो हैं जैसे TD Ameritrade उस तरह की कंपनियां अगर कोई अपने आप को रजिस्टर करना चाहे तो वो कैसे अपने आप को रजिस्टर करेंगी? सही. अच्छा नहीं यहाँ पे फ्रॉड भी तो बहुत ज्यादा हो जाते हैं ना, कि लोग वो किस तरह से होते हैं कि लोग वो फर्म पैसा देते हैं और उसके बाद वो नहीं होता. कामरान को ज्यादा एक्सपीरियंस है मेरे ख्याल में. ओके सो लेट्स हियर फ्रॉम कामरान. कामरान ये लें जी कराची स्टॉक एक्सचेंज का, ठीक है. ये एक दिन का है सही, वन वीक, एक हफ्ते का हो गया, वन मंथ का हो गया. बस ये हाँ नहीं नीचे दिखा रहा है, 25 years का भी दिखा रहा है. सही बस ठीक हो गया जी, मिल गया. अब ये हम भी ढूंढ लेंगे. ऐसे आइडिया ठीक हो जाता है. लॉस वाली बात है, सच तो नहीं है. अगर जितना भी ज्यादा पीरियड के लिए रखेंगे तो कहीं ना कहीं रिकवर कर जाएगा. भाई ये देख लेना आप कि अगर आपने 2005 में कुछ पैसा लगाया होता सही. तो अब यहाँ जाके कुछ लॉस भी हुआ होगा, लेकिन ये कि अल्टीमेटली इफ यू लेट इट सिट देयर, यहाँ पे जाके कितना ऊपर पहुंच चुकी, यहाँ पहुंच के बना है 50,000. अगर फर्ज किया यहाँ 15,000 है तो वहाँ 50,000 हाँ सब पॉइंट्स तक गया. और फिर कम भी हुआ है, लेकिन ये कि यू स्टिल मेक प्लेंटी ऑफ मनी. यू नो 2005 ये रहा, 2005 में कितना था, 6,000 का इंडेक्स था तकरीबन. ठीक है. तो 6,000 से 35,000 तक इंडेक्स चला गया. तो देयर इज अ यू नो देयर इज मनी टू बी मेड, लेकिन ये कि अगर आपको मार्केट की समझ आ जाए तो फिर ये दुख नहीं होता ना कि जब नीचे जाते हैं तो यू अंडरस्टैंड के नीचे जो चीज गई है वो ऊपर भी जाएगी. जो ऊपर जाती है वो हमेशा ऊपर भी नहीं रहती, वो नीचे भी आती है. लेकिन ये कि अगर डिफरेंस जो है ऊपर जाने के बाद, नीचे आने के बाद फिर ऊपर जाने का, अगर पिछले पीरियड से बेहतर है तो यू आर स्टिल इन प्रॉफिट. सही. चलो थैंक यू जी. नो प्रॉब्लम, थैंक यू सो मच. चलिए ओके फिर इंशाल्लाह. जज़ाकअल्लाह खैर. अस्सलाम वालेकुम. अल्लाह हाफिज़. जज़ाकअल्लाह. अस्सलाम वालेकुम. अल्लाह हाफिज़.